नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम कि एक फ्रॉड कॉलर यानी कि साइबर क्राइम में जो एक ब्लैकमेलर होता है, स्कैमर होता है, वो आप लोगों को कॉल करता है, आपको डराता है, आपको धमकाता है और आपसे पैसे की ठगी करता है। ऐसा ही होता है, लेकिन आज हम एक ऐसे फ्रॉड कॉलर के बारे में बात करेंगे कि हमारा एक व्यूअर्स जो हमारे वीडियोज को देखकर इतना मोटिवेट हो गया कि उसने एक क्रिमिनल की ऐसे ले ली। बड़ा मजा आने वाला है इसमें और लाइव में आपको मैं ये सारी चीजें सुनाने वाला हूं, तो इसलिए वीडियो बहुत ही मजे इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। इस वीडियो को जरूर देखना और अगर आपके साथ बेसिकली ये जो साइबर स्कैम है वीडियो कॉलिंग या व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के जरिए हुआ है तो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ये साइबर क्रिमिनल आपके पास जब कॉल करते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको डराते हैं, धमकाते हैं, तो आप उन्हें किस तरीके से जवाब देते हैं या फिर उनसे कितना डरते हैं, आप खुद इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और एक जो हमारा व्यूवर्स है जो इतना मोटिवेट हो गया हमारे वीडियोज को देखने के बाद कि उसने अपने मित्र की मदद करने के लिए उसने किस तरीके से उनसे बात की, वो पूरी जो बात है उसका पूरा विश्लेषण आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर भारत में और मैं हूं आपका दोस्त बी के तिवाड़ी। दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि एक व्यक्ति है जिसके साथ ये साइबर स्कैम हुआ, वीडियो कॉल आया, एक लड़की ने उसका वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद उसको वायरल करने की धमकी दी, तो उसने डर कर उस लड़की को ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद क्या होता है कि उनके पास एक साइबर क्राइम के एक ऑफिसर का कॉल आता है, तो पहली दफा जब फोन आता है तो समझ नहीं पाते हैं कि आखिर हो क्या रहा, उसको डर हुआ कि यार ऐसा क्या हुआ है। तो उनका हमारे वीडियो को वो देखते हैं, देखने के बाद उनका हमारे पास कॉल आता है कि सर मेरे साथ एक ऐसे ऐसे फ्रॉड हुआ है और मेरे को ऐसे ऐसे साइबर क्राइम का एक अधिकारी बात कर रहा है, वो मुझे डरा रहा है, मुझे बोल रहा है कि तुम्हारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, तुम्हारे घर आ जाऊंगा, तुम्हारे को जेल हो जाएगी, मैं तुम्हारे को पकड़ लूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को भी ऊपर भी केस हो जाएगा, तुम्हारे भाई पर भी केस हो जाएगा। तो इस तरीके से उसने सारी चीजें मतलब उसके साथ कही जा रही हैं। तो हमने उसको बताया कि भाई आप समझ सकते हो कि जब जिस क्रिमिनल ने, क्योंकि हमारा संविधान बोलता है, हमारा कानून जो है उसके अंदर ये बिल्कुल सारी चीजें लिखित है कि जिस आदमी ने क्राइम किया है उसी आदमी को सजा मिलती है। तो अगर मान लो आपने कोई क्राइम किया भी होता एक्स वाई जेड, तो आपको ही गिरफ्तार करने तक की बात होती और आपके पापा को, मम्मी को, आपके भाई को, बहन को, सबको गिरफ्तार करने की बात हो रही है, तो यानी कि समझ सकते हो आप वो कौन है। तो बोला हाँ सर मैं समझ गया हूं, अब तो बहुत अच्छे से समझ गया। फिर उसके बाद जो विक्टिम के पास जो कॉल आया तो उसने क्या बातचीत की उस व्यक्ति के साथ, यानी जो साइबर क्रिमिनल है एक तरफ और एक तरफ हमारा व्यूवर्स है जो हमारे वीडियो को देखने के बाद काफी मोटिवेट हो गया है, अब वो कैसे बातचीत कर रहा है वो आप इस वीडियो में सुनिए। हेलो, हाँ हम समीर का भाई बोल रहे हैं। हाँ बोलो, आप कौन बोल रहे हैं? मैं लेडर्स प्लस कंट्रोल रूम से बात कर रहा हूँ, संजय शर्मा, दिल्ली करलबाग थाने से। हाँ सर, तो बोलिए क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये थी कि समीर है ना, जो लड़कियों को व्हाट्सएप के जरिए वीडियो कॉल करता है, नफंगा फोटो सेंड करने को बोलता है, ऐसी कंप्लेंट अभी थाने में पड़ी है पेंडिंग में, जो कल मैंने इसकी कंप्लेंट को पेंडिंग में डाल के रखा था। यदि आप बताए तो इसकी कंप्लेंट ऑनलाइन कर दूँ तो आपके घर पे दो घंटे में फोर्स आ जाएगी, अरेस्ट वारंट इशू हो जाएगा थाने से इसका। हाँ केस सर खत्म हो सकता है? हाँ केस खत्म हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। केस कंप्लेंट क्लोज करवाइए ना, अपनी कंप्लेंट क्लोज करवा के। हेलो हेलो, तू क्राइम ब्रांच बोल रहा है? हाँ तेरा बेटा, तेरा जो तूने जो किया ना उसका तो तेरा रिकॉर्ड हो रहा था अभी यहाँ पे पूरे। तू क्राइम ब्रांच बोल रहा है? सिखाता हमको लूट सिखाता है, क्राइम ब्रांच का यही काम है, हम लोग पढ़े उड़े नहीं है, सब काम होता है। डॉक्टर अभी जेल जाते हैं। हाँ जैसे बोलता है जैसे हम लोग अनपढ़ है रहा, क्राइम ब्रांच के नहीं सुनने थे, थाना में भेजो तुम जो था। हाँ तो दोस्तों आपने इस वीडियो में सुना कि किस तरीके से जमकर क्लास लगाई एक व्यूवर्स ने उस साइबर क्रिमिनल की। तो आपके साथ अगर ये स्कैम हुआ तो आपको निश्चिंत इस पूरे स्कैम में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको बहुत सारे वीडियो के माध्यम से हम सारी चीजें आपको समय समय पर बताते रहते हैं कि इस तरीके का एक फ्रॉड है, वो साइबर क्रिमिनल आपका कुछ भी नहीं फाड़ सकता, सिर्फ आप डर रहे हैं, यानी कि आप ही डर रहे हैं, बाकी अगर आप थोड़ा सा हिम्मत करें तो आपसे वो बहुत ज्यादा थर थर कांपने लगेगा आपका जो साइबर क्रिमिनल है,
जो आपको अभी 5 मिनट पहले आपको पुलिस का एक अधिकारी बनकर कॉल कर रहा था, उससे पहले आपको एक यूट्यूब का ऑफिसर बनकर कॉल कर रहा था, और उससे पहले आपको एक लड़की बनकर एक वीडियो दिखा रहा था। ये एक ही ग्रह के या फिर एक ही व्यक्ति होते हैं। ये साइबर क्राइम एक जो किया जाता है इनके द्वारा, वो पूरा सिम कार्ड के ऊपर किया जाता है। इनके पास जो सिम कार्ड है फर्जी है, इनके पास जो अकाउंट्स जो ये पैसे डलवा रहे हैं वो भी सारे फर्जी हैं। तो इसलिए आपको इनको पैसा देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको क्या चाहिए, इनको आपकी गाली गलौज सुनने की आदत हो गई है, आपसे सुनने की आदत हो गई। इनके खिलाफ मुकदमे आप ज्यादा से ज्यादा दर्ज कराएं, क्राइम की रिपोर्ट दर्ज कराएं, ताकि इन लोगों को सही और सही जो जगह इनकी होनी चाहिए, जैसा कि ये यहां पर इनको पहुंचा दिया जाए। क्योंकि ये बाहर और स्वतंत्र रहने के इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसे लोगों को रहना भी नहीं चाहिए। तो आप समझ रहे होंगे कि हमारे एक व्यूअर्स ने किस तरीके से इनकी जमकर ली। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।